हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉक्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज, आज मीटियोर 350 की सीरीज में आने वाला है एक और नया वीडियो। तो गाइज, आज हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर मीटियोर 350 के मीटर का ओवरव्यू। तो जानेंगे इस मीटर में क्या खासियत है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इस मीटर को थोड़ा सा यूनिक बनाती हैं बाकी अदर गाड़ियों के मीटर से, और जानेंगे इसके बारे में और भी बहुत कुछ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं पहले तो इस मीटर को। गाइज, आइए बात करते हैं इस मीटर के बारे में। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस मीटर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर आप नज़र डालें तो जैसे ही आप इस मीटर को स्विच ऑन करते हैं, ये सुई यहाँ से यहाँ तक जाती है और ये वापस आती है, इंडिकेटिंग दैट दिस इज़ नॉट अ एनालॉग मीटर बट इट इज़ अ डिजिटल मीटर डिज़ाइंड इन एन एनालॉग मैनर। अब इसकी बात करें कि अगर ये एनालॉग मीटर है तो ये किस तरह काम करता है, ये डिजिटल मीटर है तो ये किस तरह काम करता है। तो गाइस, इसके अंदर एक, जैसे हमारे एनालॉग कन्वेंशनल मीटर्स होते थे उसमें एक चेन होती थी जो आपके अगले पहिए के साथ कनेक्टेड होती थी, जो आपकी गरारी को घुमाती थी और जिससे कि आपकी गाड़ी की जो ये स्पीड है ये डिटरमाइन होती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। अब अगर आप देखेंगे गाड़ी की तरफ, आगे की तरफ आ करके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्पीडोमीटर की केबल कहीं पे है ही नहीं। जी हाँ गाइज, इसमें स्पीडोमीटर की केबल नहीं है पहिए में, सिर्फ आपको दिखेगी सिर्फ एक ये डिस्क ब्रेक की पाइपिंग केबल और उसके साथ आपको दिखेगी ये ABS की केबल। तो अब क्या हुआ है कि जो स्पीडोमीटर सेंसर है वो इसी ABS सेंसर के साथ मर्ज कर दिया है, यानी कि अब ABS सेंसर ही आपकी गाड़ी के स्पीड को डिटेक्ट करता है और आपके इस मीटर को बताता है। दूसरी बेनिफिट जो अगर आप इस मीटर में देखें, जो रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी अच्छे चेंजेस किए हैं, वो है, अब आपके सवाल दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे ऊपर तो लिखे हैं ये किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे माइल्स पर आवर भी दिए हैं। तो ये माइल्स पर आवर देने की क्या ज़रूरत थी? तो गाइस, मीटियोर पहली ऐसी प्रोडक्शन बाइक है रॉयल एनफील्ड की जो कि सारे देशों में सेम प्रोडक्शन मॉडल जा रहा है, यानी कि अगर आप UK में गाड़ी लें तो भी आपको सेम मिलेगी, अगर आप किसी और कंट्री में लें वहाँ भी सेम मिलेगी, इवन आप जापान में भी लें तो आपको गाड़ी सेम मिलेगी। तो कई देशों में किलोमीटर्स पर आवर का चलन है तो यहाँ पे किलोमीटर्स पर आवर दिया है, और कई देशों में माइल्स पर आवर का चलन है इसलिए यहाँ पे माइल्स दिए हुए हैं। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो जो बहुत ही अच्छी रॉयल एनफील्ड ने दी है वो यहाँ पे दी है ये फ्यूल मीटर। तो आप इस फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 15 लीटर की है, और ये जो लास्ट वाला बार है जो कि आपको रेड दिख रहा है, ये लास्ट वाला बार जो यहाँ पे आपको रेड दिखता है ये तकरीबन 5 लीटर का होता है। तो 5 लीटर का जैसे ही ये आपकी गाड़ी में लास्ट बार आ जाएगा, यानी कि 5 लीटर तेल बचेगा, यहाँ पे एक लो फ्यूल लाइट भी आनी शुरू हो जाएगी। अभी हमारी गाड़ी में अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सकती, ये देखिए ये लाइट जो आपकी ये दिख रही है, ये येल्लो कलर की जो अभी चली गई, ये आपकी गाड़ी में जल जाएगी। चौथी बहुत ही अच्छी चीज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है वो है ये, देखिए आप एक यहाँ पे देख सकते हैं कि बैटरी की लाइट ब्लिंक कर रही है, जो कि ये डिनोट कर रही है कि इस समय आपकी गाड़ी बैटरी से पावर कंज्यूम कर रही है। तो अगर मैं इस गाड़ी को ये देखिए स्टार्ट कर दूं तो ये देखिए आपकी बैटरी की लाइट अपने आप बंद हो जाएगी, ये देखिए, जो कि अब डिनोट कर रहा है कि गाड़ी बैटरी से स्विच होकर के अल्टरनेटर पे जो कि करंट को बनाता है उस पे स्विच हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स के, आपको ब्लिंकर्स दोनों तरफ मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आप अगर देखें तो इसमें हाई बीम का भी आपको इंडिकेशन मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिलती है एक ABS लाइट, न्यूट्रल लाइट, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो ये देखिए, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, इसमें आपको एक
इंजन लाइट भी ये देखिए देखने को मिलेगी, जो कि EFI लाइट होती है। ये लाइट EFI लाइट होती है, ये तभी बंद होगी जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, यानी कि इंजेक्टर्स एक्टिवेट हो चुके हैं और ये लाइट बंद हो चुकी है। और इसमें एक और बहुत ही खासियत है गाइस कि इस पूरे मीटर कंसोल में एक भी बल्ब हैलोजन या फिर नॉर्मल बल्ब नहीं है, इसमें सारे के सारे LED बल्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। LED बल्ब्स को इस्तेमाल करने के पीछे का रीज़न जो था वो ये था कि गाड़ी में आपके किक फैसिलिटी नहीं है, यानी कि गाड़ी इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन बैटरी, और अगर बैटरी पे डिपेंडेंट गाड़ी में आप अगर हैलोजन का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो आपको या तो बैटरी ज़्यादा बड़ी लगानी पड़ेगी और या तो फिर आपको ये लाइट्स कम करनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन करने में आरी को एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिला कि उन्होंने एक तो इस मीटर के पूरे लुक को ही बदल दिया। ओवरऑल आप देखें तो रात के टाइम ये बहुत ही खूबसूरत ग्लोइंग मीटर होता है वाइट कलर में, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें कुछ और खासियतें भी हैं जो मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपका टाइम है जो डिनोट होता रहता है कि आपका दिन में कितना बज रहा है, और यहाँ पे आपका गियर इंडिकेटर है, तो यानी कि जिस भी गियर में आपकी गाड़ी होगी, ये देखिए फर्स्ट गियर है तो फर्स्ट आ जाएगा, सेकेंड है अगर अगर सेकेंड गियर में है तो ये देखिए गाइस सेकेंड भी आ जाएगा। और इसमें एक और चीज़ है ये जो कि है इको, तो ये गाइस इको मोड ये डिनोट करता है कि आपकी जो गाड़ी है ये बिल्कुल इकोनॉमिकल मोड में चल रही है, यानी कि मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी के साथ चल रही है। इसके साथ साथ अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पे एक आई बटन स्विच दिया हुआ है रॉयल एनफील्ड ने यहाँ इस कंसोल के ऊपर, जिससे आप टॉगल करके यहाँ पे कुछ चीज़ें देख सकते हैं। तो ये देखिए अगर मैं इस आई बटन को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मीटर पे आपको 160.6 किलोमीटर दिख रहा है। इसको मैं ट्रिप ए कर सकता हूँ, ट्रिप बी कर सकता हूँ, और इसके साथ साथ एक और फीचर आता है ट्रिप एफ। ट्रिप एफ अभी एक्टिवेट नहीं होगा, ट्रिप एफ सिर्फ उस कंडीशन में एक्टिवेट होता है जब गाड़ी में लो फ्यूल आ जाता है, यानी कि 5 लीटर या 5 लीटर से कम आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रिप एफ एक्टिवेट हो जाएगा और वो बताता रहेगा कि आपने गाड़ी लो फ्यूल होने के बाद कितनी चला ली है। उसके साथ साथ एक और सवाल जो हमारे अक्सर यूज़र्स पूछते हैं कि ये मीटर कंसोल्स ये इतने ज़्यादा हिलते क्यों हैं, ये इतने हिलते क्यों हैं, ये टाइट क्यों नहीं है। तो गाइस थंडरबर्ड जो 350 थंडरबर्ड थी या 500 थंडरबर्ड थी, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसकी जो मीटर की पत्तियाँ थी वो अक्सर टूट जाती थी, जिसकी वजह से यूज़र्स को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, यानी कि बीच रोड में कहीं पे भी स्टॉल हो जाते थे मीटर। अब आप सोचिए कि अगर आपकी गाड़ी का मीटर ही अचानक से पत्तियां टूट जाए और मीटर एक तरफ लटक जाए तो आप अपनी ट्रैवल को पूरा नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको फेज आउट करने के लिए आरी ने इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया है, जिससे कि आप सफाई करते वक्त भी अगर कुछ ऐसा कुछ हो तो आप इसको साफ कर सकते हैं और ये दिक्कत नहीं देगा। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है ये है एक टिपर नेविगेशन सिस्टम जो कि रॉयल एनफील्ड ने बनाया है। मैं बहुत ही बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा रॉयल एनफील्ड को इस बेहतरीन फीचर के लिए कि उन्होंने नेविगेशन फीचर को फाइनली अपनी बाइक में ऐड किया। सो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू रॉयल एनफील्ड के मीटर कंसोल का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।